वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस फॉर्म जो ऑनलाइन हो रही है। सीआईटीएस फॉर्म की बात किया जाए तो सेशन 22-23 में जो लोग सीआईटीएस करना चाहते हैं उनकी फॉर्म ऑनलाइन हो रही है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सीआईटीएस फॉर्म को क्या अपेयरिंग कैंडिडेट जिनकी आईटीआई कम्प्लीट नहीं है या वो आईटीआई में फेल हो गए हैं तो क्या फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए सीआईटीएस की तो पहले क्या इसकी प्रोसेस थी। सीआईटीएस की पहले प्रोसेस ये थी कि अपेयरिंग कैंडिडेट जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या कि कुछ लोग सीआईटीएस तो फर्स्ट ईयर पास करने के बाद सीआईटीएस करने जाते थे लेकिन वो फेल हो जाते थे आईटीआई, तब उनको सीआईटीएस से बाहर करना कर दिया जाता था। ठीक है, बाहर करना पड़ता था, नामांकन को रद्द करना पड़ता था। इसके लिए डीजीटी की ओर से एक नया कदम लिया गया और उन्होंने अब जो लाया है नया नियम, उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो सीआईटीएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको पास होना कंपलसरी है। क्लियर है, अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तब आप सीआईटीएस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा ये कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, सेशन आपकी कंप्लीट है बट आप आईटीआई में फेल हो गए हैं, पास आउट नहीं है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वैसे कैंडिडेट जो अपेयरिंग हैं जिनकी आईटीआई कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है वो भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और वैसे कैंडिडेट जो सेशन कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन उनके रिजल्ट फाइनल नहीं आई है, कुछ कारण से रिजल्ट पेंडिंग है या वो फेल हो गए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म को सीआईटीएस फॉर्म सेशन 22-23 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो अगला फॉर्म जो आगे साल आने वाले है उसका इंतजार करेंगे, अभी इसमें अप्लाई आप लोग अपेयरिंग कैंडिडेट एंड फेल वाले नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। आशा करते हैं कि एक चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।